कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची मैनपुरी। मैरिज हॉल में पदाधिकारियों ने जनसभा को किया संबोधित। पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलग अलग जिलों में भारत जोड़ो यात्राएं सुचारू रूप से चल रही हैं। राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही यात्रा कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में बौखलाहट पैदा कर रही है, क्योंकि देश में जब जब क्रांतिकारियों की यात्राएं हुई हैं तब तब देश में एक नया परिवर्तन आया है। आज कांग्रेस के प्रांतीय ब्रज प्रदेश अध्यक्ष योगेश दीक्षित ने भारत जोड़ो इस यात्रा में भाग लिया। वही योगेश दीक्षित यात्रा को लेकर बरेली से चलकर मैनपुरी पहुंचे, जहां उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वही योगेश दीक्षित ने शहर के एक मैरिज हॉल में जलपान के समय ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत के बाद राष्ट्रीय गान भी किया एवं सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। भारत जोड़ो की यात्रा मैनपुरी में नहीं बरेली जनपद से शुरुआत हुई थी, जिसका समापन मथुरा में होगा। जब से राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं, हम 6 के 6 प्रांतीय अध्यक्ष अपनी भारत जोड़ो यात्रा इस आशय और उम्मीद से कर रहे हैं कि सारे लोग एक मंच पर आए, एक साथ मिले और इस देश को और प्रदेश को आगे की तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए अपनी भूमिका निभाए। विगत कई वर्षों से जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लोगों को जातियों में और धर्म के आधार पर अलग अलग बांट रखा है। इन सब जो कांग्रेस का पहले नारा था, जात पे ना पात पे मोल लगेगी हाथ पे, उन सब लोगों को एक माला में पुरोने का काम जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसी में छोटी सी सहभागिता हमारे मैनपुरी जनपद की है, जो बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। सब लोग एक मंच पर आकर हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है ना, इस यात्रा को केवल एक ड्रामा बता रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हम जो ड्रामा वो जानते होंगे, हम तो जानते हैं ड्रामेबाज ड्रामे भी जानते हैं, वो ड्रामे पूरे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो जो लग रहा है भारत एक यात्रा पे कोई एक अच्छे काम के लिए की जाती है। देश में महात्मा गांधी जी से लेकर और रेड्डी जी तक जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, यात्रा से देश भी बदला है, प्रदेश भी बदला है। जितने लोग बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं, उन लोगों के रोजगार भी मिले हैं। कर्नाटक की सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो सिर्फ यात्रा के नाम पे बनी। बीजेपी ने आज तक जो राजनीति की है वो देश को तोड़ने की बातें की है, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाना, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना और डराने की राजनीति बीजेपी करती है। आपने हमेशा देखा होगा पाकिस्तान से भारत को डराती है, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाती है। हम नफरत को तोड़ने के लिए भारत को जोड़ना चाहते हैं कि डरो मत किसी से। हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि डरो मत। हमारे महात्मा गांधी जी ने जब पदयात्रा की थी और अंग्रेजों को खदेड़ा था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था डरो मत, और बीजेपी राजनीति करती है कि डरो। हम डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये यात्रा हमारी नफरत को तोड़ने की यात्रा है, न कि सरकार में आने की और सरकार बनाने की बातें नहीं है। केवल इनकी बातों में, इनके छलावे में ना आकर के नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो। सर, जिस तरह से राहुल गांधी जो है ना अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो वही प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं इस यात्रा को लेकर? आपने देखा होगा कि बौखलाहट से ही जाहिर हो रहा है। हम जो बात कर रहे हैं, हम बेरोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम आम जन की बात कर रहे हैं, हम महंगाई पर बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देश की जनता को त्रस्त कर रखा है और उनको ये लगेगा कि ये राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे मेरी सभी बातें ओपन हो रही हैं, क्योंकि यहाँ का मीडिया पूरा जो है, मीडिया ने राहुल गांधी जी की यात्रा को नहीं दिखाया। पाकिस्तान में 4 किलोमीटर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चले, उस यात्रा को दिखाया, लेकिन राहुल जी को नहीं दिखाया। तो राहुल जी ने यह प्रण किया कि मैं जाऊंगा और दरवाजे दरवाजे तक जाऊंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से देश में नफरत फैला रही है।